उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बड़हलगंज स्थित सरयू तट पर 3 दिवसीय श्री राम कथा के दौरान बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, अगर भारत में रहना है तो सीताराम कहना होगा। यह बजरंग बली का देश है, रघुवर का देश है, बाबर का नहीं। संतों को पाखंडी कहने वालों पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। राम कथा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन्हें एक बार फिर राम राज्य के साथ ज्ञान व्यापी और मथुरा को लेकर हवा दी। उन्होंने कहा कि राम जी आ गए, अब ज्ञान व्यापी मथुरा की बारी है। यह संकल्प पूरा करने के लिए सभी सनातनी हिंदुओं को एक होना होगा। हिंदू एकता ही भारत को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाएगा। उन्होंने कहा कि राम कथा अपने जीवन में उतार लो तो मन में राम राज्य आएगा। उन्होंने 11,000 वर्ष के राम राज्य की 7 विशेषताओं का वर्णन किया। कहा कि राम राज्य में किसी भी पिता ने पुत्र को मरते हुए नहीं देखा। राम जी के चरित्र को अपनाओगे अर्थात भजन और भोजन ठीक रखेंगे तभी आयु लंबी होगी। घर में भी सभी के बीच प्रेम होना जरूरी है, तब किसी के घर में आग नहीं लगेगी। राम राज्य में कभी चोरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जिस देश में संतों महिलाओं का सम्मान हो तो वहाँ समझो राम राज्य आ गया। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जहाँ माता पिता एवं साधु संतों को प्रताड़ित किया जाए वहाँ रावण राज्य होता है। जहाँ प्रजा की सेवा हो वही राम राज्य है। राम जी जैसे चरित्रवान व्यक्ति को ही गद्दी मिलनी चाहिए। वहीं भारत का कल्याण बिना राम राज्य के नहीं हो सकता। जो सभी प्राणियों को न्याय दिलाए वही राजा हो सकता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर पूरे विश्व के सनातनियों की जीत है। 22 जनवरी को सनातनियों को दिवाली मनानी चाहिए। भारत रघुवर का देश है, भारत की पहचान हमारे रघुवर से होनी चाहिए। कथा का मतलब सिर्फ जय श्री राम का नारा नहीं है, बल्कि दिल को अयोध्या मान लो तब हर तरफ राम राज्य होगा। उन्होंने कहा, महीने 2 महीने में एक बार धाम जाना शुरू कर दो, मन में राम भक्ति शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा। हम सब संगठित होंगे तो भारत देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और सनातन धर्म की रक्षा होगी। आप भी अपनी दिनचर्या में कुछ समय धर्म और संस्कृति को भी देना होगा, जिससे हमारा देश विश्व में सिरमौर हो और हिंदू राष्ट्र बन सके। उन्होंने कहा, दिल पर भगवा रंग छाया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि देश में राम जी जैसे चरित्रवाद व्यक्ति को ही गद्दी मिलनी चाहिए, तभी हिंदुओं की एकता के बल मिलेगा और देश हिंदू राष्ट्र की तरफ जाएगा। उन्होंने प्रकृति के दोहन पर चिंता जताते हुए कहा कि आज हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, इसलिए प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं। राम राज्य में सशस्त्र से नहीं शास्त्र से राज्य किया गया, जिससे प्रजा प्रसन्न थी। उन्होंने कहा कि छल कपट से कभी भी राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।